अजमेर जिला प्रशासन द्वारा कल जारी किए गए आदेश में आगामी एक माह तक शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में धार्मिक ध्वज और डीजे पर पाबंदी लगाई गई है, जिसके संदर्भ में आज भाजपा महिला मोर्चा द्वारा जिला कलेक्टर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों व महिलाओं मोर्चा कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। इसके बाद महिला मोर्चा के कार्यकर्ता अटल सेवा केंद्र के बाहर धरने पर बैठ गई और भजन गाने लगी। महिला मोर्चा द्वारा राज्य सरकार और प्रशासन पर तुष्टिकरण का आरोप लगाया गया। अजमेर भाजपा महिला मोर्चा के अध्यक्ष भारतीय श्रीवास्तव ने जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया और मीडिया को बताया कि जिला प्रशासन द्वारा राज्य सरकार के दबाव में कोटा, बीकानेर, जोधपुर के बाद अब अजमेर में धारा 144 को आधार बनाकर धार्मिक चिन्ह के ध्वज और डीजे पर एक माह तक पाबंदी लगाई गई है, जबकि अप्रैल माह में दुर्गा अष्टमी, रामनवमी, महावीर जयंती, अम्बेडकर जयंती और हनुमान जयंती जैसे धार्मिक आयोजन होने हैं। श्रीवास्तव ने कहा कि प्रदेश में बढ़ते आपराधिक कृत्यों पर लगाम लगाने के बजाय राज्य सरकार आम जन की भावनाओं को आहत पहुंचाने का कार्य कर रही है। हिंदू त्योहारों से पूर्व में इस तरह का आदेश पारित करना राजनीति के तहत नजर आता है। श्रीवास्तव ने कहा कि इसका उदाहरण है कि राज्य सरकार के दिशा निर्देश पर विद्युत वितरण निगम द्वारा रमजान का हवाला देते हुए मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति जारी रखने का आदेश दिया गया। राज्य सरकार के कहने पर जिला प्रशासन जनता की भावना के साथ खिलवाड़ कर रहा है। समस्त हिंदू समाज इस तरह के हिंदू विरोधी आदेश की निंदा करता है। भाजपा महिला मोर्चा द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर इस विषय में राज्यपाल को संज्ञान लेने का आग्रह किया गया। जैसे पहले तो मैं अपने मीडिया भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी जो ऐसी गूंगी बहरी सरकार तक हमारी आवाज़ को पहुँचाते हैं। साथ ही आज महिला मोर्चा में भारतीय श्रीवास्तव अध्यक्ष और मेरी महिला मोर्चा की सभी मातृशक्ति के साथ यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं और राज्यपाल के नाम ज्ञापन देने आए हैं। जैसा कि आपने देखा कि कोटा में, जोधपुर में जब जब ये धार्मिक कार्य मतलब कार्यक्रम आते हैं तब तब अशोक गहलोत जी को सूझता है कि 144 धारा लगा दी जाए। कोई भी अपने बोला जो मातृशक्ति जो भी है कोई अपने यहाँ पर मंदिरों के झंडे लेके नहीं आएगा, किसी प्रकार के धार्मिक झंडे लेके नहीं आएगा, पटाखा लेके नहीं आएगा, ऐसा क्यों? मैं पूछना चाहती हूँ धर्मेंद्र गहलोत जी से कि आप रमजान में तो कहते हैं कि यहाँ पर लाइटें जली रहनी चाहिए और कहीं भी लाइट बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लाइट बंद नहीं होनी चाहिए तो हम ये कहना चाहते हैं कि दुर्गाओं का जो हमने रामनवमी आ रही है, महावीर जयंती आ रही है, उसके साथ साथ हनुमान जयंती आ रही है, तो जब सभी धर्मों की जो हमारे लोगों का जो जुलूस निकल रहा है उसमें आप ऐसा क्यों करते हैं? इस चीज़ को आक्रोशित होकर हम लोग यहाँ पर कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना है, क्योंकि जब पूर्व में हमारी वसुंधरा राजे जी थी, मुख्यमंत्री थी, 36 कौमों को साथ लेकर चलती थी, कभी उनके राज में ऐसा नहीं हुआ कि हम लोगों ने आपस में लड़ाई लड़ी हो, जबकि हिंदू मुस्लिम हम सब एक हैं। हम अजमेर में किसी प्रकार की कोई ऐसी भावना लेकर नहीं चलते हैं, ना ही लड़ाइयाँ करते हैं। आज जो करौली में हुआ है वो भी प्रशासन की गलती से हुआ है, और आज भी अगर कुछ अजमेर में ऐसा हादसा होता है तो प्रशासन की गलती से होगा, उनकी गुलामी से होगा, क्योंकि सरकार की गुलाम प्रशासन है, वो सरकार कहेगी वैसा प्रशासन को करना पड़ेगा। इसलिए मैं कह देना चाहती हूँ 144 धारा जो लगाई है और जो हम लोगों के जुलूस हैं वो निकलेंगे, हम लोग निकालेंगे, और आप लोग सरकार है अगर होश में आ जाओ, अगर जनता को आप लोग आक्रोशित करना चाहते हो, आप चाहते हो कि अजमेर में भी हिंदू मुस्लिम की लड़ाइयाँ हों, तो अगर ऐसा कुछ होता है मेरे मुस्लिम भाइयों आपसे भी कह देना चाहती हूँ आपके रमजान है, हम लोगों को कोई कष्ट नहीं है, और हमारे यहाँ पर जो सबकी जयंती में जो जुलूस निकलेंगे उसमें भी आप लोगों को ऐतराज़ नहीं है। प्रशासन के ऊपर ना जाइए, सरकार को ना देखिए, सरकार सिर्फ वोट बैंक बनाती है और हम लोगों को लड़ने का काम करती है। मैं आप सभी से अपील करती हूँ कि आज हम लोग बहनें जो नवदुर्गे के व्रत करके बैठी हैं यहाँ पर जो ज्ञापन देने राज्यपाल के नाम आए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के कोई जू नहीं रेंग रही है ना रेंगने वाली है, उसने मातृशक्ति को कभी सुरक्षित नहीं रखा है, ना थाने में मातृशक्ति सुरक्षित रही है, ना अस्पताल में रही है, ना टेम्पू में रही है, ना कहीं घरों में रही है, तो ऐसी सरकार को उखाड़ फेंक देने के लिए हम लोग ज्ञापन देना है कि 144 धारा हटा दी जाए, वरना हो सकता है हम लोग रोड पर उतर के किसी भी तरह की कुछ भी कर सकते हैं, और क्या घटना होगी उसका प्रशासन खुद जिम्मेदार होगा। समय हो गया आपको यहाँ कलेक्टर से मिलने का?
देखिए समय इसलिए हो गया क्योंकि मुख्यमंत्री जी को वीसीओ से फुर्सत नहीं है, उनको कहाँ जनता की पड़ी है। वोट आएंगे तो वापस से सोच रहे हैं कि हम मुस्लिम हिंदू करके ले लेंगे, लेकिन मुसलमान भाई भी अब समझ चुके हैं, वो चाहते हैं कि हम सरकार के वोट बैंक के बन के नहीं रहेंगे, हमें